करनाल के घरौंडा के कालराम, रायपुरा, लालूपुरा, भरतपुर व अमृतपुर के किसान चकबंदी मामले में जिला उपायुक्त को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि वह पहले भी जिला उपायुक्त को अपनी शिकायत लेकर मिल चुके हैं। इसके अलावा वह मुख्यमंत्री को भी इस बारे में शिकायत दे चुके हैं, परंतु अधिकारियों द्वारा जमाबंदी रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और जिला उपायुक्त के आश्वासन देने के बाद भी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की कार्रवाई नहीं रुक रही है, जिसके चलते 5 गांव के किसानों में गहरा रोष व्याप्त है। उसी कड़ी में आज वह जिला उपायुक्त को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वह प्रदर्शन को और तेज करेंगे और घरौंडा टोल प्लाजा पर जाकर किसानों का समर्थन भी हासिल करेंगे। गौरतलब है कि काफी समय से चकबंदी मामले को लेकर 5 गांव के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज फिर उन्होंने जिला लघु सचिवालय पहुंचकर जिला उपायुक्त को ज्ञापन दिया और जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई कर रिकॉर्ड के साथ की जाने वाली छेड़छाड़ को रुकवाने की मांग की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। कालराम, रईपुरा, भरतपुर, लालूपुरा, अमृतपुर कला के हजारों सैकड़ों किसान डीसी करनाल को ज्ञापन देने आए, उनको याद कराने आए। हमें पिछली 4 तारीख को डीसी करनाल से मिले थे, उसके बाद 9 तारीख को मिले थे, 10 तारीख को सीएम साहब ने आना था यहाँ कैमला में। डीसी साहब ने किसानों को बुलाया, मीटिंग हुई। हमारी 2-3 मांग थी भी, एक तो जो रिकॉर्ड नया तैयार कर रहे, इंतकाल जमाबंदी बनाने लग रहे और रिकॉर्ड नए दाखिल करने की फिराक में, इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। डीसी साहब ने 10 तारीख को देखते हुए तुरंत आश्वासन दिया, भाई सारी चीजों पर रोक लगा दी गई है, आज के बाद कोई नई रजिस्ट्री, इंतकाल जमाबंदी नहीं होगी। और भी 2-3 मांग थी हमारी, डीआरओ करनाल पर हमारे केस चल रहे थे, बिन में जल्दी फैसला हो। डीआरओ करनाल ने तो अपना कर दिया, हमारे जितने केस थे घोंडा चल गए, लेकिन डीसी करनाल को शायद कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है, किसान दिखाई नहीं देते। उसके बावजूद भी कुछ रिश्वतखोर, गुंगे, बहरे रिटायरमेंट अधिकारी जिन्हें पीसों की भूख है, आज भी दफ्तरों में बैठे हैं। हमारे पास फोटो है, रिकॉर्डिंग है, एक भी चीज बंद नहीं हुई। डीसी करनाल का झूठा आश्वासन है, झूठा वादा करे किसानों तय, उसकी एवज में आज किसान यहाँ से वहां तक पूरा प्रदर्शन करेंगे। अल्टीमेटम देना है डीसी को, अगर तुरंत हमारी मांग नहीं मानी गई, आज यहाँ से सीधे किसान बस्ताड़ा जाएंगे, उनका समर्थन लेंगे, पूरे करनाल में प्रदर्शन करेंगे और 5-6 बस भर के सीएम निवास चंडीगढ़ पहुंचेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.